नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मंगलवार की सुबह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पटना सहित देश भर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। राजद विधायक किरण देवी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के आवास पर भी पिछले 6 घंटों से अधिक समय से तलाशी जारी है। चर्चा है कि भोजपुर के संदेश से राजद विधायक किरण देवी के पति और पूर्व विधायक अरुण यादव ने पटना स्थित सगुना मोड़ के पास एक अपार्टमेंट में आधा दर्जन फ्लैट खरीदा था। खरीदे गए फ्लैट को लालू परिवार के नाम पर गिफ्ट दिया गया था। अरुण यादव लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। अरुण यादव भोजपुर के बड़े बालू कारोबारी हैं। आरा से लेकर पटना तक उनका कारोबार फैला हुआ है। सूत्रों की माने तो फ्लैट के लेन देन में पैसे का ट्रांजेक्शन बालू कंपनी के चेक से हुआ था। चर्चा है कि लंबे समय से लालू परिवार और उनके करीबियों के खिलाफ छापेमारी कर रही CBI को इस मामले में ठोस जानकारी मिली है, जिसके बाद भोजपुर के अंगियाओ और पटना हार्डिंग रोड स्थित विधायक किरण देवी के दोनों आवासों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। CBI के अफसर अलग अलग गाड़ियों में पहुंचे हैं, बस से जवान आए हैं। करीबी सूत्रों ने बताया कि सुबह 6 बजे से किरण देवी के आवास पर छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या नहीं, इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को छापेमारी के दौरान तैनात किया गया है। पटना आवास पर नौकर समेत अन्य स्टाफ भी आवास पर मौजूद है। वहीं अंगियाओं आवास पर विधायक और पूर्व विधायक समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। बता दें कि किरण देवी के पति अरुण यादव भी राजद के विधायक रह चुके हैं। अरुण यादव पर साल 2019 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पॉक्सो के विशेष अदालत अभियोजन ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को नगर थाना अंतर्गत कबीरगंज निवासी युवक के बयान पर अरुण यादव समेत दो लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके 3 साल बाद 16 जुलाई 2022 को पूर्व विधायक अरुण यादव ने पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह के कोर्ट में समर्पण किया था। उस समय कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरुण यादव के जेल में रहने के कारण पिछले चुनाव में उनकी पत्नी किरण देवी को राजद ने टिकट दिया था।